हाँ बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और इस टाइम लॉकडाउन का दौर चल रहा है, या घर में बैठे हैं आप पढ़ने की सोच रहे हैं, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं स्वर्ण का कहा, सोने का कुआं, सोने का कौआ, सॉरी कुआं नहीं, सोने का कौआ। आप सोच रहे होंगे क्या सोने का कौआ होता है? अगर 9th में पहुंच गए हैं अभी तक तो आपने देखा नहीं है, लेकिन ये एक कहानी है जिस कहानी से हम पढ़ेंगे कि स्वर्ण का कहा वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत की कहानी है। तो प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये लग गया पहला पूर्ण विराम। तो यहाँ तक अगर इसका अर्थ देखें तो ये लिखा है, ये प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। इसका संस्कृत हो गई। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम् लोक कथानां वर्णनम् विद्यते। अगर आपको टिप टिप की आवाज़ आ रही है तो पीछे बारिश हो रही है, इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, तो ये बारिश की आवाज़ आनी भी चाहिए। चलो चलिए आगे चलते हैं। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। इसका मतलब यही है कि ये कथा म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है, बहुत बड़ी लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का जिक्र एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो जो मुख्य रूप से ये कथा है वो लोभ और उसके साइड इफेक्ट्स है ना, लोभ और उसके दुष्परिणाम, और त्याग, त्याग मतलब किसी के लिए किसी चीज़ को छोड़ देना, उसके जो अच्छी चीज़ें हैं उसका जिक्र इसमें एक सोने वाला जो कौवा है उसके पंखों के माध्यम से किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम इस सोने के जो कौवा है उसके बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके अपने सर का चैनल है। तो आप इस चैनल को जब पढ़ेंगे, इसमें जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें वो आपके अच्छे नंबर आपको दिलवाएंगी। 9th क्लास की सारी वीडियो यहाँ अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम सोने का कौवा। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। द टेक्स्ट प्रेजेंटेड हियर इज फ्रॉम श्री पद्मशास्त्रीज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टाइटल विश्व कथाष्टकम। हियर इज अ कलेक्शन ऑफ 100 फोक टेल्स फ्राउंड अराउंड द वर्ल्ड। दिस स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ म्यांमार्स वेस्ट फोक टेल्स। हैं, द स्टोरी मेंशंस ग्रीड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल एज रिनंसिएशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज थ्रू अ गोल्डन विंग्ड क्रो। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है ना तो आप पॉज करके नीचे पढ़ लेना, ठीक है। मुझे इंग्लिश की इतनी जानकारी भी नहीं है, और जो है भी है तो आप समझते ही हैं। तो आप हिंदी और संस्कृत में काम चलाइए, इंग्लिश अगर आपने पढ़नी है तो नीचे पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा कस्मिंश्चित ग्रामे है, पुरा का मतलब होता है पुराना समय, पुराने समय में, जिसको हम बोलते हैं पहले समय। यहाँ तक पढ़ लिया ना हमने पहला, यहाँ इसका अर्थ भी जानते हैं। पहले समय में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी, ठीक है। तस्या चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार बूढ़ी माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगे व्यो रक्षक। सूरज की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य
सूर्य की धूप में सुखाते हैं ना चावल, तो अब तुम पास में बैठो और चावलों की रक्षा करो, ऐसा कहा उसने लड़की को। तो किंचिद कालादनंतरम एको विचित्र काकः समुदीय तस्याः समीपम आगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके समीप आया। तो अब आ गया कौआ, तो क्या होता है इसके बाद, चलिए आगे वाले पेज पे देखते हैं क्या होता है। तो इंग्लिश के लिए आपके लिए मैंने पेज रखा सामने, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। सोने के पंख चांदी के चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। क्या क्या है? सोने के पंख हैं, चांदी की चोंच है उसकी, और ऐसा सोने का कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। अब यहाँ चांदी की चोंच भी है भाई, सिर्फ सोना नहीं है, रजत चंचु भी है। रजत कहते हैं चांदी को। तम तंडुलान खादंतम हसंतन च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। होता क्या है कि उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोना आरंभ कर दी। ठीक है, तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई प्रार्थना करती है। तम उसको निवारयंती, रोकती हुई प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? तंडुलान मा बक्षयो, चावलों को मत खाओ। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। मदीय माता, मेरी माँ अतीव बहुत निर्धना गरीब वर्तते है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौआ बोला, माँ शुचः दुख मत करो। शुचा वाला दुख, माँ दुखा दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहिः पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम्। सूर्योदय के पहले, पूर्वोत्तर पहले है ना, सूर्योत प्राग, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहिः गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, तुम वहाँ आ जाओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों के सारे पैसे दे दूंगा, अभी तो मुझे खाने दो। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि ना लेवे, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि ना लेवे, प्रसन्न लड़की स्लीप भी नहीं हो पाई है ना, प्रसन्न लड़की सो भी नहीं पाई। क्यों नहीं सो पाई? क्योंकि उसे ऐसा था कि अब मुझे चावलों के पैसे मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये इंग्लिश है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे और अगले पेज पे देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई, उसको नींद भी नहीं आई रात को। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम्, अहो बाले त्वमागता तिष्ठ। जब कौआ सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे लड़की तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, सोपानम कहते हैं सीढ़ी को, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, ठीक है, तो कहो सोने का चांदी का या तांबे का कौन सा उतारूं? तो कन्या अवदत्, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, वही उतार दो। परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन पहुंची। तो ये था यहाँ तक, अब आगे हम इसकी इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो अभी तक तो आपको आनंद आ ही रहा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं ये इसकी इंग्लिश। शी गेट्स द डियर बिफोर द सन कम्स अप, ठीक, किसको पढ़ लो आप।
तो चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। इसका मतलब बहुत देर भवन में विचित्र वस्तुओं को सजा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, श्रांताम ताम विलोक्य काका आवदत्। थकी हुई उसको देख करके कौआ बोला, क्या बोला? पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता करें। लघु प्रातराशः, लघु प्रातराशः कहते हैं नाश्ते को। क्रियताम करें। बद त्वं स्वर स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी में या ताम्र स्थाल्यां या तांबे की थाली। बालिका आवदत्, ताम्र स्थाल्यां एव अहम् निर्धना भोजनं करिष्यामि, तांबे की थाली में ही कर लूंगी क्योंकि मैं गरीब हूँ ना इसलिए। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गई जब उस सोने के कौए ने सोने की थाली में उसको भोजन दिया। ना एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा भोजन उसने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। काको अवदत्, कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठं परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौआ बोला, लड़की बच्ची, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रुको, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो है, मदर जो है, अकेली हो जाएगी, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर को चले जाओ। ये इसका अर्थ भी है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये इसकी पूरी हिंदी ट्रांसलेशन, वहाँ थोड़ी डिस्टर्ब थी, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यावदत्। इतना कहकर कौआ घर के अंदर से तीन बक्से निकालकर उसको बोला। तिस्रः होता है तीन, मंजूषा हो गए बक्से। निकालकर उसको बोला, क्या बोला? बालिके, लड़की, यथेच्छम गृहाना मंजूषाम एकाम, इच्छा के अनुसार एक बक्सा को ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की के द्वारा कहा गया। यत एव मदीय तंडुलान मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे छोटा बॉक्स लिया उसने, लालची नहीं थी ना इसलिए। यहाँ आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, आपके लिए फैसिलिटी है पढ़ने की, पढ़ लीजिए आप। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। घर आकर के उसने जैसे ही मंजूषा को खोला तो उसमें से महारहानि मतलब बहुमूल्य हीरकानि हीरे देखकर वह विलोक्य सा प्रहर्षिता, वह खुश हो गई और उस दिन से अमीर हो गई है। वाओ, ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता ना। तस्मिन्नेव ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक बूढ़ी सी लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तस्या भी एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, जेलियस के कारण उसने उससे सोने के कौए का जो रहस्य था वो जान लिया। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि, सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य में सुखाने के लिए, सूर्य के प्रकाश में सुखाने के लिए उसने भी अपनी लड़की को चावलों की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्षा काका तंडुलान वक्षयन तामपि तत्रैव अकारयत्, वैसे ही सोने का कौआ वहाँ पर भी खाने के लिए आया। प्रातस्तत्र तत्र गत्वा सा काकम निर्वर्तयन्ति प्रोवाच, सुबह उठ के जब वो उसको चावलों को देख रही थी तो वो वैसे भटकती हुई वैसे गालियां देती हुई बोली, क्या बोली? भो नीच काक, अरे नीच काक, अहम आगता, मैं आई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का पूरे का पूरा मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौआ बोला,
अहम तत्कृते सोपानम अवतारे, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम व ताम्रमयम व, आपको कौन सी सीढ़ियाँ उतारूँ? तो गर्वितया वालिकया प्रोक्तम, गर्व से भरी हुई घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की ही सीढ़ी दो मैं तभी आऊँगी, अदरवाइज नहीं आऊँगी मैं। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपाने व प्रयच्छत, लेकिन उसने क्या किया, तांबे की सीढ़ियाँ जो हैं वो ही चढ़ने के लिए दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने व अकारयत, इसी तरह से सोने के कौए ने उसे जो भोजन था वो भी तांबे के पात्रों में ही करवाया, जैसे पहले वाले को सोने के वक्त में करवाया था, इसको नहीं, इसको तांबे ताम्र में ही करवाया। ठीक है, इसकी हिंदी इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है, देख लो, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। ठीक है, तांबे को कॉपर बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन काकेन कक्षा अभ्यंतरा तीसरा मंजूषा तत्पुरा समुत्क्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। ठीक है, तो वैसे ही जाते समय कौए ने अपने कमरे के अंदर से तीन बॉक्स लाए और कहा कि ले लो, तो वो लोभी थी तो उसने क्या किया, सबसे बड़े वाला जो बक्सा था वही उठाया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत, घर आकर वह व्याकुलता से जब मंजूषाम उद्घाटयति, जब मंजूषा को बक्से को खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता, तब उसमें भीषण भयंकर काला सांप को देखती है। अरे सांप आ गया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को लोभ का फल मिल गया, तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद उसने भी लालच जो थी वो छोड़ दी। लेकिन देखो सांप तो मिल गया ना। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी। तो इसके बाद हम लोग तृतीय पाठ पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, इसलिए इस वीडियो में नहीं पढ़ सकते। तो जो दो हमने चैप्टर पढ़ लिए, पहला चैप्टर भी, आप उसकी वीडियो भी देख लो, हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं बहुत ईजी वे से बताता हूँ, आपको पता ही है, अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के, अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, ठीक है, और इसी तरह से देखते रहो संस्कृति संस्कृत सरिता यूट्यूब चैनल।